नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की जुड़ी राजनीति खबरों का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति बात करूँ तो इस समय जो है विधान परिषद के चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसका परिणाम को लेकर जो है पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक वातावरण थोड़ा गर्म है। और महायुति जिस तरह से परफॉर्मेंस की है उसको लेकर उसमें काफ़ी अति उत्साह है, जोश है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह परिणाम आए थे उसको लेकर मनोबल डाउन था, लेकिन उसमें थोड़ा टानिक काम किया है ये विधान परिषद चुनाव। लेकिन ये आम चुनाव नहीं है, ये विधान परिषद चुनाव यानी आमदारों का चुनाव है, यानी कि विधायकों का चुनाव है। तो उसको लेकर जो है लोकसभा से हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि लोकसभा चुनाव आम चुनाव होता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है तथ्य साहब तो हैं ही, साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत मिश्रा जी भी हैं, और जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति इस समय किस तरह चल रही है, किस तरह उठापटक हो रही है, क्योंकि पवार साहब के विरुद्ध में फडणवीस साहब का नाम लिया जा रहा है। तो ये दोनों का जो परफॉर्मेंस जो कल देखने को मिला है, यानी कि पवार साहब का जो कैंडिडेट था वो तो हार गया है, उसमें फडणवीस का एक बार फिर से चमकता चेहरा सामने आया है। तो क्या है ये सब चीज़ें हम जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। सर स्वागत है मिश्रा जी आपका। तथ्य साहब तो रोज आते ही हैं, हम उनको स्वागत नहीं कहेंगे, उनका हम तो रोज किए हैं हम तो। मिश्रा जी ये बताइए कि जो कल का ये स्थिति देखी गई विधान परिषद में, कहा जा रहा था कि ये पहले नंबर चुनाव होगा नहीं, और होगा तो जो परफॉर्मेंस था कि महायुति इस समय डाउन चल रहा है तो महायुति का विकेट गिर सकता है, लेकिन उसका उल्टा हुआ और पवार साहब इसमें मात खा गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये जो कल हुआ, जो आप कह रहे हैं कि ऐसे देखा जा रहा था कि चुनाव होगा नहीं, चुनाव हो इसीलिए सारा जी कुछ रणनीति या जो बिसात बिछाई गई थी उसी को लेकर था कि उधर पवार और इधर फडणवीस। पवार साहब अपनी जगह, कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है, इसमें संदेह नहीं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखा भी दिया। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि इस जो चुनाव हुए 11 सीटों पर, इसमें किसी को बहुमत उस तरीके का नहीं था पार्टी वाइज, जैसे कि बीजेपी के पास भी पूरे अपने पांचों उम्मीदवारों को जिताने लायक उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ नहीं थी। उसी तरह की स्थिति शिंदे साहब की थी, अजीत पवार जी की भी थी, वही स्थिति उद्धव ठाकरे की भी थी, शरद पवार की थी, फिर भी ये 12वां उम्मीदवार खड़ा किया गया। इसमें निश्चित रूप से था, जैसे मराठी में कहते हैं कि एक दूसरे पर एक कुरघोड़ी करने का एक प्रयास हुआ, और उसमें निसंदेह जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं वो सफल हुए, वो अपनी रणनीति बनाने में सफल हुए। उनको दिखाना था कि भाई अब भी मैं पूरी तरह जो ये संसदीय कार्य प्रणाली में सतर्कता कही जाए या सजगता कही जाए, और या तो इकट्ठा रहने के मामले में कहा जाए तो उसमें कैप्टन मैं हूँ इस तरह से दिखा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जो अजीत पवार जी के बारे में जो कहा जा रहा था कि अजीत पवार जी इसमें काफ़ी कमज़ोर साबित हो सकते हैं, उनका शिवाजी राव गर्जे जो हैं उनके उम्मीदवार भी डेंजर जोन में थे, ये सही बात थी कि जयंत पाटिल और शिवाजी राव गर्जे ही डेंजर जोन में थे। ये हो रहा था कि हो सकता है चाचा भतीजे की लड़ाई में इस बार फिर चाचा भारी पड़ जाएं और भतीजे को वो पीछे हटना पड़े, लेकिन इस बार भतीजा भारी पड़ा है। उन्होंने ऐसे कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक लोकसभा चुनाव का छोटा सा बदला उन्होंने लिया है। यही नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को जो फोड़ा है, पांच विधायक जो हैं, जैसे सर ने कहा कि पांच विधायकों की चर्चा है, बिल्कुल कि पांच विधायक नाम भी आए हैं सामने आ गए, और जैसे जिशान सिद्दीकी का नाम तो सामने आया ही था, वो ऑलरेडी उनके पिता जो आ ही गए हैं बाबा सिद्दीकी जी, लेकिन और विधायकों को जिस तरह, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे साहब सीएम साहब का जो 47 कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने भी 49 वोट उनके भी उम्मीदवारों ने लिए हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके से महायुति ने जिस तरह से एकजुटता और रणनीति बनाने में जिस तरीके से उन्होंने इस बार एकजुटता दिखाई है, आपने भी बिल्कुल सही कहा कि ये जनता की अदालत का चुनाव नहीं है, विधायकों का चुनाव था। विधायक सत्ताधारी पक्ष में ज़्यादातर देखा जाता है कि सत्ताधारी पक्ष के साथ जो है विधायक निर्दलीय जाते हैं। सर निर्दलीय भले किंग मेकर की ही भूमिका में थी, आपने देखा ऐसे भी सुना गया कि शरद पवार जी ने अखिलेश यादव को फोन किया
कि दो सपा के, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी के कहने पर भी सपा के जो दोनों महायुति के साथ हो गए, बिल्कुल महायुति के साथ गए हैं। तो इस तरीके की ये चीजें गई, एमआईएम गई, बिल्कुल जो सर ने अभी कहा कि एमआईएम के भी दिए सर, जिस तरह से एमआईएम और सपा महायुति के सपोर्ट किए यानी बीजेपी के सपोर्ट किए, उस पर महाराष्ट्र राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, लेन देन हो गया तो कर दिया, ये थोड़ा आइडियोलॉजी का कोई सवाल ही नहीं था इसमें जी, ये लेन देन का सवाल था। अखिलेश थोड़ा उनको चारा पानी देता है, दाना पानी देता है, वो तो यहाँ से मिला तो इसके लिए दे दिया है। वैसे कुछ भी समझे, यहाँ पे लोकल लेवल पे इनका चलता है रहता है ना, वो कर दिया। सर फडणवीस को क्रेडिट दे रहे हैं, वो तो मैं देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि फडणवीस ने जो उनके पास है ऑलरेडी कन्वर्टिंग द कन्वर्टेड, इसमें कोई मजा नहीं है। जो ऑलरेडी क्रिश्चियन है उसको क्रिश्चियन मत करो, वो क्रिश्चियन है ही, जो क्रिश्चियन नहीं है उसको क्रिश्चियन करो, ऐसा बोला जाता है। सर जो उनके पास नहीं थे उनको लाने का काम शिंदे साहब ने किया, उनको दाना पानी किसने खिलाया? अभी आज संजय राउत बोला ना कि 2 करोड़ रुपया और 2 एकड़ जमीन दी उनको। अभी 2 करोड़ और 2 एकड़ जमीन कुछ ज़्यादा नहीं है, नगर सेवक 5 साल भर में कमाता है उतना, 2-5 करोड़ तो। मगर फिर भी उसने आरोप किया, ये फडणवीस देने वाले हैं क्या? फडणवीस देंगे? जो भी नॉन बीजेपी वाले या तो उनके इसमें नहीं वाले आए वो शिंदे साहब की वजह से आए, शिंदे साहब का जादू चल गया, तो इसका असली क्रेडिट शिंदे साहब को देना चाहिए, ज़्यादा वोट जो मिले और चुन के आए। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मिलके जयंत पाटिल के खिलाफ गेम किया, उनको मिलिंद नार्वेकर को लाना ही था, मिलिंद नार्वेकर को खड़ा किया तो मिलिंद नार्वेकर को गिराने के लिए थोड़ा खड़ा करेंगे। एक तो मिलिंद नार्वेकर के पास अनाप शनाप पैसा है, वो भी खर्च करता है, उसने भी कमाए, इन लोगों ने भी ऐसा किया कि भाई जयंत पाटिल गिरा तो अपने बाप का क्या जाता है, टूटेगा टूटेगा तो उसके पास ताकत है क्या? हाँ, अभी मेरे पास एक परसेंटेज का वोट आया है, 0.4% वोट है शेखप गई महाराष्ट्र में, 0.4 तो आया गया और वो पैसे वाला है जी, जी। उसने पैसा डाला नहीं इस बार, ऐसा लगता है वो घमंड में गया। अभी विधानसभा चुनाव है, उसमें पैसा डालेगा, चुन के आएगा, ऐसा कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, 3 महीने के अंदर वो चुन के आएगा। सर इससे आगे भी बढ़कर एक चीज़ सामने आ रही है जो आपने कहा, बिल्कुल उद्धव ठाकरे जी ने बदला लेने के लिए रायगढ़ में अनंत गीते जी को हराने में जयंत पाटिल का हाथ रहा, ऐसे नहीं है कहा गया? ऐसे क्या, ऐसा ही है कहा गया, काम नहीं किया उसके लोगों ने, काम नहीं किया। सुनील तटकरे जी हैं, सुनील तटकरे जी के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन इसीलिए आप देखिए 15-16 केवल विधायक थे इनके पास, 12 मिले उसको, मतलब किसी ने दिया ही नहीं वोट, नहीं दिया। और उसके अलावा जो है कांग्रेस की बैसाखी पर तो थोड़े चुन के आए, निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे का भी उम्मीदवार जो है कांग्रेस की बैसाखी पर ही चुन के आया है, लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि जयंत पाटिल जी को जो है पवार ने अपना मत भले दिया, लेकिन बाकी उनको उस तरीके का कोई महत्व मिला नहीं है, और मैनेजमेंट के लिए कुछ उनका फेल ही रहा एक तरह से, इन्होंने भी नहीं किया, फेल ही रहा एक तरह से। लेकिन ये जो सर ने कहा कि महायुति का जो एक ये मान लाना ही था और इसके लिए एक बलि देना ही था महागाड़ी को, तो इसका दे दिया। सर इसमें जीत हार किसको देख रहे हैं आप? महायुति तो नहीं रहा है, महायुति की और फिर अपने तुम्हारे शिंदे साहब की जीत है पक्का, और हार किसकी? पवार साहब की, पवार साहब के उद्धव की नहीं बोलूंगा क्योंकि मिलिंद तो आ गया उसका, और सबका एक ही कैंडिडेट था जयंत पाटिल, वो गिर गया तो पावर सबके हार हो गए। सर कांग्रेस का जो टूटी हुई है पांच विधायक, जो 5-6 विधायक टूटे हैं उसको क्या किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि क्या देख रहे हैं वो लास्ट टाइम उनको लोकसभा विधानसभा में तुम्हारा चंद्रकांत हांडोरे खड़ा था, उस समय भी इन लोगों ने गिराया था उसको, उस समय इनके नाम आ गए थे, इनके खिलाफ शिस्त भंग कार्रवाई के लिए ऊपर रिपोर्ट भेजी थी, मगर कांग्रेस के इसमें पिछवाड़े में दम नहीं है कि इनको निकाले, पहले उनके पास कम है, ये 5 को निकाला तो ये 5 भी ऐसे है, अभी जिशान सिद्दीकी है, ये है, वो अपने अपने एरिया में और दो दो गिराएंगे इनके, अभी भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, नोटिस दे देंगे उनको खुलासा करो करके, इनको पार्टी से बिल्कुल नहीं निकालेंगे, देख लो आप क्या हिम्मत है कांग्रेस की इनको निकालने की। पटोले चाहे जो भी बोले, पटोले तो मीटिंग में खड़ा था बीजेपी का खासदार करके, मोदी साहब भाषण कर रहे थे तो मोदी साहब को उसने बोला कि कृषि किसान के बारे में मुझे ये पॉइंट रखना है, वो आप रखो जी। तो बोले ठीक है मैं रखता हूँ, और उन्होंने रखा नहीं क्योंकि उनके हित में नहीं था वो बोलना वहाँ पे। तो जैसे ही स्टेज से मोदी उतरे, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि मैं बीजेपी की खासदार की कराजीनामा देता हूँ,
क्योंकि उन्होंने किसान के बारे में बोला वो तो झटू पटू है, तो उन्होंने राजीनामा दे दिया और उनकी जगह खुद खड़ा नहीं हुए लोकसभा के, उन्होंने प्रफुल्ल पटेल का पराभव किया था। मतलब कितना ताकतवर होगा पटोले जी, प्रफुल्ल पटेल को हराया था लोकसभा में, उसने खुद को खड़ा नहीं किया। अभी वो जो धानोरकर है जी, वो उसको खड़ा किया, उसको चुनके लाया वहां सीट पे, वो मर गया तो उसकी बीबी को अभी धानोरकर को टिकट दिया, वो भी उल्टा सीधा दिमाग वाला है। तो पटोले ने भी इसमें घात किया है, ये किया है, मगर ऊपर वाले कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वालों की अभी हिम्मत नहीं है इनको निकालने की, कोई किसी को निकालेगा नहीं। देखो आप, ये रहा विधान परिषद का, लेकिन विधान परिषद के बाद जो है अभी उपचुनाव थे, जो देश में कुछ सात राज्यों में चुनाव थे उसके भी रिजल्ट आए हैं, जिसमें कि बीजेपी को 2 सीट मिले हैं, कांग्रेस को 4, आपको 1, INTM इंडी गठबंधन को कुल मिला के 9 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 2 सीट मिली। कहाँ मिली ये ये, ये बंगाल में थे, टीएमसी में बंगाल को मिली 4, आश्चर्य नहीं है जी। हिमाचल प्रदेश में 2 सीट मिली है, जो कि लोकसभा में सभी सीटें जीती, कंगना वगैरह जी। और मतलब नहीं, किसको 2 सीटें मिली है हिमाचल में, बीजेपी को, बीजेपी तो उनका वो गढ़ हो गया है, नहीं हिमाचल में हारी है कंगना आई ना, 3 सीटें नहीं, नहीं नहीं अभी जो उपचुनाव जो हुए विधानसभा, नहीं नहीं वो ठीक है, एक ही अच्छा हारे, एक ही मिली है, अच्छा और आपको 1 मिला पंजाब में, वो तो नो डाउट पंजाब का ही है। अब यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में भी चालू है काउंटिंग, वहाँ पर भी शायद बीजेपी जीत रही है, लेकिन कुल मिलाकर 2 ही सीट जीती है बीजेपी से, कांग्रेस और चुनाव में यह हमेशा होता है। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लोकसभा के खासदार थे, उनका मतदार संघ जी कौन जीता जी, हार गए ना बीजेपी वाले जी, ये होता रहता है उपचुनाव में, हमेशा विरोधियों की जीत जल्दी हो जाती है। सर एक आखिरी सवाल है दोनों जन से कि ये विधान परिषद का जो रिजल्ट है उसके बाद बीजेपी को नो डाउट कि मायावती को थोड़ा सा राहत मिली है, किसका असर क्या लोकसभा विधानसभा में क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं सर, ये कैसा है ना, ये मासूम दा तालाब है, इसमें जाल टाके मच्छी नहीं पकड़ते, गल टाके गल बोलते क्या बोलते उसको हिंदी में मालूम नहीं, हाँ वो एक एक मच्छी पकड़ना होता है, और विधानसभा में जाल डाल के हजारों मछलियां पकड़ना होता है, तो एक मछली पकड़ी तो आप बोलेंगे हाँ मैं पूरा सागर जीत गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो महासागर है, ये मछली के लिए ये छोटा सा है, इससे कोई अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं है। आज सकाल ने एक रिपोर्ट दिया है, उसमें उन्होंने दिया है कि महाराष्ट्र में 48% लोग चाहते हैं कि महागड़ी आ जाए और 32% सिर्फ चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल कुछ उनके मतों से मैं बिल्कुल सहमत हूं सर से, कि विधान परिषद का चुनाव और जनता की अदालत वाला विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग है। हाँ ये है कि थोड़ा सा प्रचार प्रसार में थोड़ा सा उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह ये लाने का काम कर सकते हैं, एक प्लानिंग का काम कर सकता है, हाँ एक टॉनिक या प्लानिंग बनाने में या जो प्रचार करने में, लेकिन इससे ये नहीं होता कि जनता में क्या चल रहा है। जनता में जाने के लिए लोकसभा का अंदाज नहीं लगा, हाँ जनता में जाने के लिए जिस तरह से उन्होंने अलग अलग योजनाएं बनाई है, आज ही देखिए हम जब इस समय बैठे हैं उस समय 1 घंटे 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी मुंबई आ रहे हैं, उन्होंने 2-4 परियोजनाओं का उनको एक तरीके से भूमि पूजन और 2-4 लोकार्पण करना है, तो ये इसके पीछे उन्होंने एक तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है ये कहना पड़ेगा। महायुति ने समय तो बिल्कुल नहीं, महायुति ने तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने कभी भी लागू, हाँ आचार संहिता अगले महीने या सितंबर में तो लागू होनी है, तो उन्होंने तैयारी अपने हिसाब से शुरू की है, लेकिन सर ने जैसा कहा कि नीचे का वातावरण अभी भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा बदला ही हुआ है, जो लोकसभा में जो रिजल्ट आए थे उसी तरीके का चल रहा है। जिस तरह से महायुति के लिए शिंदे साहब ने और फडणवीस जी ने नो डाउट विधान परिषद के लिए मेहनत की और रिजल्ट उन्होंने पॉजिटिव निकाला, तो क्या भी लगता है विधानसभा में फेल जाएंगे? नहीं पूरी तरह तो ये नहीं कहा जा सकता, अगर तीनों मिलकर रणनीति बनाकर और जिस तरह की उन्होंने योजनाएं बनाई वो जनता तक अगर पहुंचती है तो ये जरूरी है कि ये निश्चित है कि महाआघाड़ी के लिए जो MBA के लिए मुश्किल हो सकता है, लड़ाई अच्छी होगी इसमें डाउट नहीं है। एकनाथ शिंदे जी जो हैं बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, रणनीति भी उनके साथ है, अगर बीजेपी ने भी उसी तरीके का साथ दिया, सीटों का बंटवारा जो है योग्य तरीके से हुआ तो निश्चित रूप से अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन MBA का जो है एक MBA का एक
सबसे उनका मजबूत पक्ष मुझे शरद पवार जी का नज़र आता है कि वहाँ इस तरह की बहुत बड़े छोटे भाई की लड़ाई नहीं दिखाई देती। वो कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे, वो दोनों को समझाने में सक्षम भूमिका जो है ये जो शरद पवार जी निभा सकते हैं। ये इसलिए हम लोग कहना है अगला विधानसभा भी कमोवेश शरद पवार जी के इर्द गिर्द रहेगा, जो कुछ तरह से कह सकते हैं कि ये लड़ाई जो है पवार साहब और फडणवीस की आमने सामने की, पवार और फडणवीस की तो नहीं, इसकी क्या होगी, वो ब्राह्मण है, और फडणवीस की लड़ाई नहीं। हालांकि बीजेपी ने देखी है पांचों जो उनके चुनाव जीत कर आए हैं उन्होंने ओबीसी पर ही दांव खेला है, ब्राह्मण कौन है उसमें, हाँ ओबीसी पांचों के पांचों जो उम्मीदवार उनके जीत के आए हैं, हाँ दलित मतलब ओबीसी और दलित पर ही उन्होंने, बिल्कुल सही कहा सर ने कि ओबीसी और दलित पर ही दांव खेला है। और मराठा बनाम ओबीसी बनाम दलित, मुस्लिमों का देखिए इस बार वो भूमिका नहीं रहेगी मुस्लिम समाज की या मुस्लिम मतदाताओं की जो लोकसभा में रही, क्योंकि वहां भी उनके भी जो सीटें ऐसी 18 से 20 सीटें हैं महाराष्ट्र में मुस्लिम डोमिनेट विधानसभा की, जो बहुत बड़ी संख्या नहीं है सर, 288 में से 18-20 सीटें हैं जो जहां मुस्लिम लोकसभा में, जिस तरह उन्होंने एक साथ वोट दिया आपने देखा, एक एक लाख सवा सवा लाख की उन्होंने लीड दी, पांच विधानसभा वर्षे से एक हो गई अभी एक के वर्षे से एक ही आएगी। तो जो सर ने ये आकलन किया ना, तो लड़ाई होनी है, निश्चित रूप से होनी है दोनों दलों। आज की तारीख में अगर चुनाव होता है जी आज, तो मवा आघाड़ी जो है वो 150-160 जाएगी, मगर तीन महीने के बाद क्या होगा वो आज कहना आज कहना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। तो लड़ाई बहुत काटे की जरूर होगी, क्योंकि विधान परिषद चुनाव जो है एक आम चुनाव नहीं कह सकते, लेकिन विधानसभा की जो तैयारी है चल रही है उसको देखते हुए जिस तरह से मायावती ने जो इस तरह से परफॉर्मेंस किया है उसको नो डाउट की जरूर हटाने का काम किया है और उत्साह तो लाया ही है। तो कुल मिला के यही कारण था कि आज की स्थिति और तीन महीने बाद की स्थिति में काफी अंतर हो सकता है। तो हम दोनों यानी कि सूर्यप्रकाश मिश्रा जी भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार, इसमें डालना चाहता हूँ, इसमें महायुति और महाआघाड़ी का विजय का सवाल ही नहीं है। महाआघाड़ी को ठाकरे ने हरा के अपना आदमी को चुन के लाया, ये विजय है। महायुति के जो अपने हैं नौ, वो नौ चुन के आए, इसमें विजय क्या है, नौ थे उन्होंने आगे भाई गिराया किसने और किसको, मिलिंद नार्वेकर ने जयंत पाटिल जो शरद पवार के उम्मीदवार है उनको गिराया, तो महाघाड़ी ने महाघाड़ी को गिराया। कांग्रेस जो पांच फूटे हैं वो तो महायुति में ही वोट दिए होंगे ना, हाँ ना, तो मिलिंद नार्वेकर को भी दिए होंगे, मिलिंद नार्वेकर को पांच ज्यादा वोट मिले, क्या मालूम। जैसे सर ने कहा कि मोरल बूस्टर का काम जरूर किया है, बाकी विजय कुछ नहीं, बाकी विजय का तो ये है, मेरा ही बच्चा मेरे पास आके गोद में बैठे मैं बोलूं कि मेरा विजय हो गया, ये कैसे, तुम्हारी नौते एनीवे ठीक है। तो हम अब असली लड़ाई देखेंगे विधानसभा में। तो हम जो है ओपिनियन ले रहे थे विधान परिषद चुनाव के बारे में, नवभारत वरिष्ठ पत्रकार थे सूर्यप्रकाश मिश्रा जी और तथा साहब थे, तो सबकी अलग अलग ओपिनियन थी, लेकिन कुल मिला के यही कहा जा सकता कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है और सभी तैयारियाँ भी जोरों शोरों से लग जाएंगी। तो आपको कैसी लगी चर्चा, आपको क्या कहना है विधान परिषद चुनाव के रिजल्ट के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।